क्या ईद के दिन कब्रिस्तान जाना जायज है? शहरी नमाज ईद के बाद कब्रिस्तान क्यों जाते हैं? आइए हम आपको सब बताते हैं। ईद उल अजहा जहां हज और कुर्बानी की खुशियां देती है, वहीं पर कुछ पल ईद के रंजो गम में भी बदल जाते हैं। वो कुछ इस तरह, जब आप अपने प्यारे कुर्बानी के जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, और दूसरी जानिब सबसे ज्यादा दिल तब गम में डूब जाता है जब ईद उल अजहा के पुरमसरत मौके पर आपके अपने आपके साथ मौजूद नहीं होते, जिन्हें आप बहुत ज्यादा चाहते हैं क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं होते। ख्याल रहे कि ईद छोटी हो या बड़ी, इन मौकों पर अपनों की बहुत याद सताती है, जिसके पेशे नजर शहरी नमाज ईद की अदायगी के फौरी बाद कब्रिस्तानों का रुख कर लेते हैं, जहां पर शहरी अपने वालिदैन और प्यारों की कब्रों पर हाजिरी देते हैं, कब्र को साफ करते हैं और फूल चढ़ाते हैं। अपने प्यारों के इसाले सवाब के लिए शहरी कुरान पाक की तिलावत और फातिहा खानी भी करते हैं। वाज़े रहे कि ईद के दिन कब्रिस्तान जाना जायज है, बल्कि बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसे लाजिम या सुन्नत समझना दुरुस्त नहीं है।